मैं रोज़ की तरह अपने घर के पास वाले एक पार्क में वॉक कर रहा था और एकदम से ही बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई, बारिश होने लगी एकदम तेज़। तो मैंने इमीडिएटली अपने हाथ ऐसे रखे ताकि मेरे चश्मे पे पानी ना आए और जा करके सीधा एक शेड के नीचे चला गया। उसके कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर उस शेड के नीचे और भी बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, मैं अपने आसपास में सुन रहा था, लेकिन मैंने एक चीज़ नोट करी कि ज़्यादातर लोग, उनका ध्यान बारिश की तरफ नहीं था, बारिश की वजह से होने वाली जो प्रॉब्लम्स थी उसकी तरफ था। जैसे मेरे यहाँ पे थोड़ा सा आगे जा करके दो लड़के खड़े हुए थे, वो आपस में बात कर रहे थे कि भाई आज ट्रैफिक का बड़ा बुरा हाल होने वाला है, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, तो वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। एक वहाँ पे अंकल जी थे, पीछे वाइफ को बोल रहे थे कि भाई मैंने तेरे को पहले ही कहा था कि छाता रख ले, छाता रख ले, अब देख मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊँगा। तो इस तरह की बातें हो रही थी, तरह तरह की। तभी मैंने एकदम से देखा कि सामने से, मतलब मैं यहाँ खड़ा हुआ था, मेरे यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ था, मुझे अभी भी एग्जैक्ट याद है, वो लड़का इनफैक्ट वो काफ़ी बड़ा कैरेक्टर था, बहुत सीरियस, मतलब बहुत टेंशन में था वो। हुआ क्या था, उसकी जेब में एक नोट पड़ा हुआ था जो गीला हो गया था, 20 रुपये का, तो उसको हिला हिला करके सुखाई जा रहा है, उसको फूंक मार रहा और ये सब चीज़ें। तो मैं पहले, मेरा ध्यान उसकी तरफ था, फिर मैंने जैसे ही उधर देखा तो उधर से एक आदमी आ रहा था शेड की तरफ, उसका भी एक हाथ ऐसे था, लेकिन दूसरे हाथ से उसने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा हुआ था, छोटी सी बच्ची, 4-5 साल की, बड़ी प्यारी बच्ची। फर्क ये था कि उस बच्ची का हाथ ऐसे नहीं था, उसका हाथ ऐसे था, ऐसे था, और वो बच्ची बड़ी प्यारी प्यारी हरकतें कर रही थी। मैंने देखा वहां से, ऐसे उसका हाथ था, बार बार उस पर पानी की बूंदे गिर रही, वो इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही, इकट्ठा कर रही और पी रही। तो जैसे ही वो शेड के पास आए, मैं थोड़ा सा साइड हो गया, तो इधर वो मेरे नोट सुखाने की मशीन थी, इधर मैं सोच रहा था अपने भी नोट निकाल के दे दूं, भाई ये भी सुखा दे। इधर वो बच्ची खड़ी हुई थी, वो छोटी सी प्यारी सी, और मेरा फिर पूरा ध्यान उस बच्ची की तरफ ही था, इतनी इतनी प्यारी बच्ची। और इधर उसके पापा, उसके पापा अपने मोबाइल पे कुछ काम कर रहे थे। वो बच्ची को अभी भी चैन नहीं आया, शेड के नीचे आ गई लेकिन अभी भी बार बार अपना हाथ बाहर निकाल के, एक हाथ से पापा को पकड़ा हुआ डर रही, दूसरे हाथ से ऐसे बाहर निकाल के बार बार पानी भर रही और पी रही, कभी पानी भर रही अपने मुंह पे फेंक रही। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं उसके मन में क्या आया, उसने अपने पापा से पूछा कि पापा ये बारिश रोज क्यों नहीं होती। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। उसके पापा ने कहा, वो अपने मोबाइल पर लगे हुए थे, हाँ बेटा होगी होगी, रोज होगी, रोज होगी, रोज होगी। वो बच्ची फिर अपने खेल में लग गई। फिर थोड़ी देर बाद पता नहीं क्यों उसने दोबारा से पूछा अपने पापा से, बताओ ना पापा रोज क्यों नहीं होती। इस बार उसको कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन मुझे मिल गया, मुझे सब कुछ समझ आ गया कि क्या वो वजह है, क्या फर्क होता है उन लोगों में जो खुद के सबसे अच्छे दोस्त होते हैं और खुद के सबसे अच्छे दुश्मन होते हैं, क्या फर्क है उन दोनों लोगों में। देखो बहुत सिंपल है, जब बारिश होती है आसमान से, हम सबके ऊपर होती है क्या? एक जैसे होती है या अलग अलग तरीके से होती है? एक जैसे होती है, कोई पार्शियलिटी नहीं करती। आप अमीर हो, गरीब हो, काले हो, गोरे हो, बच्चे हो, बड़े हो, कोई फर्क करती है क्या बारिश? नहीं करती, सब पे एक जैसी होती है। बिल्कुल उसी तरह से वो शक्ति, वो एनर्जी जिससे पूरी दुनिया चल रही है, जिससे अभी, अगर आप अभी फील करने की कोशिश करो, आपकी सांसें चल रही है, मेरी सांसें चल रही है, जिस शक्ति में इतनी ताकत है कि अगर वो चाहे तो एक सेकंड में, एक सेकंड भी नहीं लगेगा, इस पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है, और एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में इस दुनिया को दोबारा से बना भी सकती है। उसको आप साइंटिफिकली चाहे एनर्जी का नाम दे दो, चाहे स्पिरिचुअली भगवान कहो, आत्मा कहो, परमात्मा कहो, कुछ भी कहते रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और बिल्कुल उस बारिश की तरह उस शक्ति की भी बारिश हम सब पर होती रहती है, उस एनर्जी की भी बारिश होती रहती है, और सब पर एक जैसे होती है। फिर चाहे आप अमिताभ बच्चन हो, बिल गेट्स हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप स्टेज पे खड़े हो या वहां बैठे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फर्क क्या है? देखो बहुत सिंपल है, वही फर्क जो उस बारिश में था, जो मैंने नोट किया उस बच्ची के बीच में और औरों के बीच में। कुछ लोगों का हाथ ऐसे होता है और कुछ का ऐसे होता है, यही फर्क। जिनका ऐसे होता है वो बारिश उन पर होती तो है लेकिन छू करके बह जाती है, चली जाती है, उनके अंदर तक नहीं जा पाती, अपना काम नहीं कर पाती। लेकिन जिनका ऐसे होता है
वो उसको पी लेते हैं, उनके अंदर चली जाती है, और उसके बाद में जो काम करती है वो एनर्जी करती है, नाम इंसान का हो जाता है। नाम हो जाता है कि वो कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है। अरे कौन कर रहा है? वही एनर्जी पीछे से काम कर रही है। हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं आपको कहूं कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस हैं उसमें से 99% फंक्शन से ज्यादा ऐसे हैं, डाइजेशन से लेकर के, ब्रीदिंग से लेकर के, ये सारी चीजें जो हम कंट्रोल नहीं करते, जो हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। 1% चीजें हम कंट्रोल करते हैं और 100% क्रेडिट ले जाते हैं। और अब मजे की बात पता है क्या है, सबसे मजेदार बात, कि यहां पर हम जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, हम सबको पता है कि अगर हमारे हाथ अभी ऐसे हैं तो ऐसे कैसे लाने हैं, क्योंकि बचपन में हम सबके बाय डिफॉल्ट हाथ ऐसे ही थे सबके। फिर धीरे धीरे कुछ लोगों के यहां चले गए, कुछ के यहीं रह गए। जिनके यहां रह गए उनको हम सक्सेसफुल बोलते हैं, जिनके यहां चले गए उनको हम फेलियर्स बोलते हैं, अलग अलग फील्ड्स में। तो कोई बताएगा कि ऐसा क्या था जो बचपन में हम एक दिन में हजारों बार करते थे और अब हजारों दिनों में एक बार भी नहीं करते? याद करो वो बच्ची क्या कर रही थी उस पार्क में, बार 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 क्या कर रही थी? एग्जैक्टली क्वेश्चन पूछ रही थी, मतलब के सवाल कर रही थी। लेट्स गिव अ बिग हैंड फॉर हर। सवाल। ऐसा क्यों होता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? बताओ ना पापा, हम ऐसा क्यों करते हैं? कोई जवाब नहीं मिला, हमने सवाल पूछने बंद कर दिया। आज हमारे पास में टाइम ही नहीं है कि एक दिन में कुछ सेकंड्स के लिए रुक करके हम अपने आप से पूछें कि भाई जो मैं कर रहा हूं वो कर क्यों रहा हूं। पता ही नहीं है, ध्यान ही नहीं है उस तरफ। और जब तक उस तरफ ध्यान नहीं होगा कुछ नहीं होगा। और सिर्फ उस पर विश्वास मत करो जो मैं बोल रहा हूं, हिस्ट्री को उठा करके देख लो। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में अगर सक्सेसफुल हुआ है तो उसमें और बाकी लोगों में क्या फर्क था? क्या वो दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट था? क्या उनके पास दूसरों से ज्यादा जवाब होते हैं? यस और नो? नो। उनके पास में दूसरों से ज्यादा अच्छे सवाल होते हैं हर चीज में। एक ही सवाल कि अगर ये दुनिया ऐसी है तो ऐसी क्यों है, और क्यों मैं इस दुनिया को बदल नहीं सकता? अगर पूरी दुनिया मुझे ये कहती है, मेरे घर वाले मुझे कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी हाथ की लकीरों में ही कमी है, तो क्यों मैं अपनी हाथ की लकीरों को नहीं बदल सकता? हर चीज में एक ही सवाल। और दूसरी तरफ किसी फेलियर के पास चले जाओ, उनके पास आपको सिर्फ जवाब मिलेंगे, सवाल एक भी नहीं, सिर्फ एक्सक्यूजेस मिलेंगे, सिर्फ बहाने मिलेंगे। बस सवाल पूछ ही नहीं रहे तो जवाब मिलेगा कहां से? कहां से मिलेगा? मिल ही नहीं सकता। तो मैं क्या कह रहा हूं कि लाइफ में आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपके पास में इस क्यों का बिल्कुल क्लियर जवाब है तो उस काम को आप पूरे विश्वास के साथ कर रहे हो, और अगर इस क्यों का जवाब ही नहीं है तो आप सिर्फ उस काम को अंधविश्वास पे कर रहे हो, जो आज नहीं तो कल टूटेगा ही टूटेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से बताता हूँ। क्या कभी आप लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ है कि घर में कोई बड़ा सा फंक्शन चल रहा हो, जैसे किसी की शादी हो रही हो और वहाँ पे कोई रिलेटिव बीमार हो गया? हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है ऐसा? हुआ है। तो ऐसे में क्या होता है, क्या होता है, जैसे एक किसी की तबीयत खराब होती है तो बाकी लोग क्या करते हैं? डॉक्टर बन जाते हैं, अपनी अपनी राय देते हैं आकर के। सो मेरी फैमिली में भी एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मेरी एक कज़न सिस्टर की शादी थी और मेरे एक अंकल आए हुए थे अब्रॉड से, उनकी तबीयत खराब हो गई, उनको बुखार हो गया, और जैसे ही एक एक करके सब लोगों को पता लगा तो सब लोग आए और आ करके अपने अपने आइडियाज़ देने लगे। एक आंटी जी आई काढ़ा बना करके, अपना अदरक का, तुलसी का, शहद का, वो काढ़ा बना करके, बेटा ये पी लो, 2 घंटे में ठीक हो जाओगे, बुखार अभी उतर जाएगा, बहुत पुराना नुस्खा है। उसके बाद में एक अंकल आए, बड़े फनी, वो आ करके उन्होंने ऐसे उनके सर पे हाथ रखा, गर्म हो रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कुछ नहीं है, इनको ठंडी बर्फ़ की पट्टियाँ कर दो, अभी सारा बुखार उतर जाएगा। ऐसे सब तरह तरह के लोग आ रहे थे, तरह तरह के, और अपने अपने आइडियाज़ दे रहे थे। सबको पूरा विश्वास था कि ये करने से वो ठीक हो जाएंगे, उनका बुखार उतर जाएगा, लेकिन इसका बिल्कुल उल्टा हुआ।
अगले दिन सुबह उनका बुखार कम होने की बजाय और बढ़ गया, तेज हो गया। और अब ऐसे में बड़ा मजा आता है कि जो लोग जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट थे ना अपने नुस्खे को लेकर के, वो उतना ही पीछे हट गए। उनका जवाब था कि भाई मैं तो कल ही कह रही थी कि डॉक्टर को बुला लो, किसी ने मेरी सुनी नहीं। डॉक्टर आया वहां पे, आकर के उसने पूरा चेकअप किया, कुछ टेस्ट बताए, शाम तक रिपोर्ट्स आई और पता लगा कि उनको मलेरिया था। डॉक्टर को जैसे ही पता लगा उसने कुछ दवाई दी और अगले कुछ दिनों में वो बिल्कुल ठीक हो गए। तो क्या फर्क था डॉक्टर में और बाकी लोगों में? डॉक्टर ने कुछ भी करने से पहले, मतलब कि अपना इलाज शुरू करने से पहले, कोई भी नुस्खा बताने से पहले ये पता लगाया कि उनको बुखार क्यों हुआ, और बाकी किसी ने यह पता लगाना जरूरी ही नहीं समझा कि उनको बुखार हुआ क्यों। डॉक्टर को पता था कि उस बीमारी का कॉज क्या है, उसकी जड़ क्या है, उसकी वजह क्या है, और इस वजह से उसको पूरा विश्वास था कि मैं ये दवाई दूंगा और वो ठीक हो जाएंगे। बाकी सब जो कह रहे थे कि हमको विश्वास है, उनको सिर्फ अंधविश्वास था कि वो ठीक हो जाएंगे, वो विश्वास नहीं था। इन दोनों के बीच में ना इतना एक बिल्कुल पतली सी लाइन का फर्क होता है विश्वास में और अंधविश्वास में, जिस वजह से बहुत बार हम अपने अंधविश्वास को विश्वास का नाम दे देते हैं।